सभी को आज हम संस्कृत में कक्षा 6 पाठ 8 सुक्त स्तबक पढ़ेंगे। सुक्त स्तबक मतलब होता है अच्छे कथनों का संग्रह या अच्छी बातों का संग्रह। उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका बच्चों अर्थ ये होता है सभी कार्य परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा करने से या सोचने मात्र से पूरे नहीं होते। जैसे सोए हुए शेर के मुख में पशु स्व प्रवेश नहीं करता, अर्थात शेर को उसका शिकार करना ही पड़ता है। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ अर्थात ज्ञान यदि जीवन में उपयोग नहीं किया, अतः जो पाठ जीवन में सार्थक उपयोगी नहीं है तो उस पढ़े हुए पाठ का क्या हो, अर्थात उससे क्या लाभ। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्टन्ति मानवाः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें मधुर वाणी ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी, अर्थात बोलने में कंजूसी क्यों। गच्छन् पिपलको याति योजनानां सतान्यपि अगच्छन् वेन्तयोऽपि पदम् एकं न गच्छति। चलती हुई नर चीटी भी सैकड़ों कोस चली जाती है, परंतु न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं जा पाता। अतः सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसमें ये हमें चीटी से प्रेरणा मिलती है। काकः कृष्णः पीकः कृष्णः को भेदः पीक काकयो। बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद, भेद मतलब अंतर। परंतु जब बसंत समय बसंत ऋतु आने पर पता चलता है कि कौवा तो कौवा होता है और कोयल कोयल होती है, जब वह दोनों बोलते हैं। धन्यवाद।